सो है गाइस, मेरा नाम है तोमो यार, आप लोग देख रहे हो इनसेन यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार, आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप लोग उनकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है गाइस, कि यार जैसे M187 से ऐसे हेड मार रहा हूँ गाइस। तो अगर आप लोग को जानना है कि कैसे हेड मारते हैं ऐसे, इसका सेंसिटिविटी क्या है, ये कैसे खेला जाता है इतना ज़्यादा, ये देखो गाइस इतना अच्छा है, कैसे मार सकता हूँ हेड, तो गाइस ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों की गाइस, कि यार डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स पे एक जन का यार लेजेंडरी गेमर नाम का एक जन का चैनल का लिंक पिंड किया हुआ है गाइस, तो इनको जाकर जरूर सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि यार ये जो अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं। और यार ये बहुत अभी तो यार फिलहाल ये 3-4 महीने से अनएक्टिव है, लेकिन यार बहुत जल्दी अनएक्टिव नहीं है, एक्टिव है, लेकिन उतने ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं करते, लेकिन ये बहुत जल्दी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे गाइस। तो इनको जाकर के ज़रूर सपोर्ट करना और ज़रूर कर देना यार, ज़रूर एक सब्सक्राइब कर देना, और यार वहाँ पे बोल देना कि मैं यहाँ से हूँ, तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और गाइस अब यार बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। और हाँ गाइस, और एक चीज़ मैं बता दूँ कि गाइस अब आने वाले टाइम से यार कोई मेरे को यार सपोर्ट के लिए नहीं बोलेगा गाइस, कि मैं किसी के से आने वाले टाइम में तो सपोर्ट नहीं करूँगा। तो सपोर्ट करने के लिए नहीं बोलना गाइस, कि आने वाले टाइम से कि मेरा सपोर्ट कर दो, तुम्हारा तो व्यूज़ आता है, ये आता है, वो आता है, तो सपोर्ट करने के लिए नहीं बोलना, मैं नहीं करने वाला सपोर्ट, ये लास्ट था। लेकिन गाइस आप लोग जरूर जाकर लेजेंडरी गेमर को सपोर्ट जरूर कर देना गाइस। तो गाइस अभी यार बात करते हैं वीडियो का टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो का टॉपिक यार कुछ ऐसा मैं पॉइंट्स बताऊंगा, मतलब मैं 1-1.5 साल से गेम खेलता हूं, तो 1-1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि कैसे यार इतने अच्छा हेड लिया जा सकता है। तो देखो यार, सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का कि गाइस आप लोग का जो जनरल है सेंसिटिविटी में जो जनरल है गाइस, उसको यार 100 के आसपास रखना। तो गाइस अभी मैं एक चीज़ पहला चीज़ क्लियर करता हूँ, सबसे पहला चीज़ सेंसिटिविटी क्या होता है, बहुत सारे बंदे नहीं जानते सेंसिटिविटी होता क्या है। अब मैं बताता हूँ सेंसिटिविटी होता क्या है गाइस, सेंसिटिविटी वो होता है, मतलब मैं फिलहाल कुछ ही दिनों तक 4-5 महीना पहले मैं खुद नहीं जानता था, जिनका यार 50 लेवल है उन लोग भी नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ सेंसिटिविटी क्या होता है गाइस। तो सेंसिटिविटी होता है कि मान लो अगर आप लोग किसी को 2x से या फिर 4x टू 4x 2x जनरल रहता है, फिर रेड डॉट रहता है, फिर ओम का रहता है, ये सेंसिटिविटी है कि आप लोग मान लो किसी सामने वाले बंदी को गोली मार रहे हो, तो यार ये जो ड्रैग होता है ना, मतलब आप जो मारते हो तुरंत जो हेड पे चला जाता है वो गोली, वही रहता है सेंसिटिविटी आपका। जितना हाई स्पीड में आप ड्रैग कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको जल्दी किल मिलेगा, हेडशॉट पे रहेगा, और आपका क्या होता है इससे पता चलता है कि सेंसिटिविटी कितना ज़्यादा अच्छा है गाइस। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग यार अच्छे फ़ोन है, जैसे कि मेरा Realme 3 Pro है 4GB वाला वेरियंट, तो गाइस इसमें क्या होता है, तो मैं यार यहाँ पे सेंसिटिविटी क्या रखता हूँ, 60 से 70 के अंदर मैं हर सेंसिटिविटी रखता हूँ, क्योंकि गाइस 60-70 के अंदर जो भी सेंसिटिविटी होता है गाइस मेरा फ़ोन में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि गाइस मेरा फ़ोन लैग नहीं करता पहली बात, दूसरी बात मेरा फ़ोन 4GB वाला वेरियंट रखता है, और मेरे फ़ोन में ये सूटेबल है गाइस। और जिन लोग का फ़ोन बहुत अच्छा है, वो लोग यार ऑब्वियसली इसको कम रखते हैं, जैसे कि 40-50 के अंदर रखते होंगे, और जिन लोग का फ़ोन ख़राब है, थोड़ा लैग करता है, या फिर 4GB का वेरियंट जिन लोग का लैग करता है, तो उन लोग को यही बात बताना चाहता हूँ, जितना आप 100 के आसपास रखोगे गाइस, 80-90 के अंदर, उतना ज़्यादा आप अच्छी तरह हेड ले पाओगे, उतना ज़्यादा आपका गेम प्ले ओपी होते जाएगा दिन प्रतिदिन। तो गाइस अभी यार बात करते हैं, मतलब बात तो यही था कि आप लोग अगर M187 यूज़ करते हो तो जनरल को ऑलवेज 80-90 के अंदर रखना, कि यार क्योंकि यार इससे क्या होता है हेड जल्दी चला जाता है। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर करना पड़ेगा, आपका एक्यूरेसी जो होता है या फिर मतलब जो गोली मारते हो वो परफेक्ट लगना चाहिए गाइस। वो यार मान लो आपको एनिमी को मारने का यार वो कहीं और लग गया, तो ऐसा होगा तो आपका गोली भी मिस हो जाएगा, आप मार भी नहीं पाओगे। तो सेंसिटिविटी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और सेंसिटिविटी अगर आपका अच्छा हाथ में बैठ गया तो आपका जो भी गोली होगा फट से ऊपर ड्रैग चला जाएगा और आपका हेडशॉट पे किल होगा, और आपको सब यार भगवान बोलेंगे गेम का यार। तो गाइस अभी सेकंड बात करते हैं, सेकंड है गाइस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है गाइस जो स्कोप का मैं बात कर रहा हूँ गाइस, ये जो स्कोप है, इस स्कोप को जितना आप हेड के साइड में रखोगे गाइस, जितना आपके हेड के आसपास रखेगा ये स्कोप, आप उतना ज़्यादा हेड लगा पाओगे। वो सिर्फ एक M187 के लिए नहीं है, सिर्फ हर गन के लिए, एनी गन, मान लो स्कार यूज़ कर रहे हो, AK यूज़ कर रहे हो, फिर आपका XMD यूज़ कर रहे हो, MP40 यूज़ कर रहे हो, कोई भी गन यूज़ कर रहे हो, आपका ये हर जगह पे काम आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ M187 के लिए नहीं है, लेकिन M187 पे भी ये यूज़ होता है। तो देखो ये M जो है, ये आपका जो स्कोप है, स्कोप जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये आपके हेड के आसपास ही रहेगा, मतलब हेड के साइड में ही रहेगा, कि बंदा आएगा आप उसको हेड मारोगे, अगर वो नहीं लगा, वो हेड पे नहीं लगा, तो उसको थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो उसका हेड शॉट पे किल आएगा और आपको यार तुरंत उस बंदे को मार पाओगे गाइस।
तो अभी तो यार ये बहुत बड़ा टिप था, ये सिर्फ और सिर्फ M187 के लिए नहीं था। अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस लाइक कर देना और यार सब्सक्राइब तो कर ही देना। आप लाइक तो कर दिया तो यार लाइक का मैं बता देता पिछला वाला वीडियो में कि गाइस लाइक करते तो मालूम चलता है कि आप लोग यार अभी तक जीवित हो, दुनिया में अभी भी यार इंसानियत जीवित है अभी तक। तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस, 1300 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा करीब है, तो 1300 सब्सक्राइबर कर देना गाइस, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना। तो गाइस अब थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड है गाइस कि यार आप लोग में से बहुत सारे प्लेयर्स डिफ़ॉल्ट में खेलते हो। अब यार मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को, कुछ देर जो स्क्रीन पे दिखेगा कुछ देर बाद, मेरे को पहले मेरा बातचीत ख़त्म करने दो। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है और प्रिसाइज में क्या होता है गाइस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं बताऊँगा आप लोग को M1887 का। आप लोग को अभी प्रिसाइज में दिख रहा है गाइस, ये प्रिसाइज में ऐसा हेडशॉट लगता है, और मतलब प्रिसाइज में आप लोग जितना भी कोशिश कर लो, मैं यार खुद एक साल दो तीन महीना से प्रिसाइज में खेलता हूँ, मतलब करीबन एक साल तो हो ही गया गाइस। तो एक साल खेलने के बावजूद मैं प्रिसाइज पे ही खेलता हूँ, फिर भी मैं बावजूद ये बोल रहा हूँ कि आप लोग जब शॉटगन यूज़ करोगे कृपया करके डिफ़ॉल्ट पे यूज़ करना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे शॉटगन ओपी चलता है और उसका हेड बहुत जल्दी लगता है गाइस। तो अब तो यार ये बहुत बड़ा रीज़न था कि गाइस कैसे आप लोग का इतना जल्दी हेड लगता है डिफ़ॉल्ट में, और डिफ़ॉल्ट में यार गोली बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर आप लोग प्रिसाइज अगर हाथ में सेट हो गया गाइस, मैं बता दूँ डिफ़ॉल्ट आपके सामने यार ये थूक जैसा है, थूक नहीं बताऊँगा यार, इतने ज़्यादा प्रस्टिस पे यार धूल लग जाएगा यार, थूक नहीं बताऊँगा गाइस, क्या बोलो धूल बता रहा हूँ, डस्ट टाइप का है गाइस, मतलब हाथ का धूल है यार डिफ़ॉल्ट वाले। अगर आपके हाथ में बहुत अच्छी तरह प्रिसाइज सेट हो गया गाइस, और अभी तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, अभी दिखाऊँगा डिफ़ॉल्ट का काम गाइस। आप लोग अभी स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस डिफ़ॉल्ट, ये होता है डिफ़ॉल्ट गाइस। आप लोग जब भी मारोगे थोड़ा सा टानोगे तो वो हेड पे ही जाएगा, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होता है, और इससे डिफ़ॉल्ट बहुत इजीली यूज़ होता है शॉटगन के केस में। लेकिन हाँ दूसरे गन के केसेस में डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं होता, जैसे कि लॉन्ग रेंज गन हो गया, उसमें यार डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं करो तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं यार जितना सीखा हूँ डिफ़ॉल्ट में यार शॉर्ट रेंज बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन लॉन्ग रेंज उतना ज़्यादा अच्छा मेरे को नहीं लगता काम करता है। तो अभी तो यार ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि डिफ़ॉल्ट और प्रिसाइज में कैसे खेला जाता है, आप लोगों को दिखा था कुछ देर पहले डिफ़ॉल्ट कैसे खेला जाता है और प्रिसाइज कैसे खेला जाता है। अभी तो यार मैं आप लोगों को ही बताऊंगा जितना भी मैंने सीखा हूँ, मैं तो थोड़ा सा बताया अभी, डेढ़ साल का जो मेहनत किया था, अभी तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताया कि यार कैसे यार M187 से इतना ज़्यादा हेड ले सकते हो। अभी यार और भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, सेंसिटिविटी के ऊपर वीडियो चाहिए, सेंसिटिविटी क्या रखना चाहिए इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना। अब गाइस मैं आप लोगों को एक मेन चीज़ बताता हूँ कि गाइस मैंने तीन पॉइंट बताया आप लोग को आज, तीन पॉइंट वो है, डिफ़ॉल्ट में खेलना सीखो अगर आप शॉटगन यूज़र बनना चाहते हो, ओपी शॉटगन यूज़र, सेकंड जनरल ऑलमोस्ट 100 के आसपास रखो, थर्ड स्कोप जो होता है वो आपके हेड के आसपास रहना चाहिए, तभी आप ओपी प्लेयर बन पाओगे फ्री फायर के अंदर गाइस। तो अगर ये तीन चीज़ आप सीखे, अगर ये तीन चीज़ आप मेहनत करके एक सीज़न, मतलब एक रैंक सीजन कितना महीने का होता है, तीन महीने, अगर तीन महीना ये रैंक सीजन में आप सीखे तो गाइस मैं बता रहा हूँ आप लोग यार बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करोगे। और यार प्रैक्टिस तो डेली करना, प्रैक्टिस करना और यार क्या बताऊँ अब यार ये करते रहना और बेस्ट बन जाना यार, क्या करूँ अब यार। और एक चीज़ बताना था कि आने वाले टाइम पे यार इससे भी अगर आप लोग को इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया, अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छे कमेंट्स किए गाइस और लाइक शेयर सब्सक्राइब और किए गाइस, तो यार आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे गन्स हैं जिसका मैं वो हेडशॉट तो लगा सकता हूँ। और हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल जाता हूँ गाइस, वो है कि गाइस अगर आप लोग को अच्छा मतलब एकदम भयंकर, जिसको मान लो जो आप लोग का बहुत बड़ा बड़ा फेवरेट अच्छे यूट्यूबर्स होंगे, जो लोग यार 70 लेवल 80 लेवल वाले होंगे और बहुत अच्छे खेलते हैं, जिन लोग हर गोली हेड लगता है, तो आप लोग उन लोग के साथ कभी कंपेयर मत करना अपने आप को, क्योंकि गाइस वो लोग बहुत ज़्यादा ओपी मतलब हाई लेवल डिवाइस के साथ खेलते हैं, कोई आईफोन के साथ खेलता है तो कोई Asus ROG 2 के साथ खेलता है गाइस, तो उन लोग का जो मोबाइल फ़ोन होता है डिवाइस होता है बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक्स में सपोर्ट करता है, तो वो लोग का यार बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। तो आप लोग उन लोग के साथ कंपेटिव मत करना, और हाँ अगर आप लोग को उन लोग की तरह ओपी बनना है तो उसके लिए आप लोग को यार अच्छा एक डिवाइस तो ज़रूर खरीदना पड़ेगा गाइस। तो यार अभी बात करते हैं, मतलब बात क्या करना है, ख़त्म हो गया वीडियो गाइस। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आने वाले टाइम में यार अलग अलग गन का मैं बना दूंगा, क्योंकि यार अगर सपोर्ट आया तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, पीस आउट, और शेयर ज़रूर कर देना गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो।